गाइज, मुझे ना लगता है कि ये वाली रावण सीरीज है ना जो हमारी, हमें इसको बंद करना पड़ेगा। रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो भाई, हमारे रावण का हाल देख लो आप एक बार। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है भाई। और ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब, मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा। आज रावण में फिलहाल हम घाघरा वगैरह तो बनाएंगे, मूवी बनाएंगे हम, बट आप हमारे रावण की हालत देख रहे हो भाई। ये देखो भाई, ये क्या हालत हो गई भाई, और इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है गाइस मेरे को, अभी मैं बता नहीं सकता। तनिष भाई का तो रोना निकल गया, रो रो के ना इसने बाल्टी भर दिया। मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा गाइस। यार मैं सही बता रहा हूँ, ये ना मैं फेंक दूंगा मैं इसको, बहुत ज्यादा हद हो रही है भाई। ये देख लो, ये मैं इसको खुद तोड़ दूंगा आज, मैं बता रहा हूँ। ये मेरे को रोक रहा है, लेकिन मैं बख्शूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई। यार तनिष यार तो खुद देखिए हालत देख रहा हूँ। एक बार बता इसको भाई, कोई ना कोई तोड़ दे, कोई ना कुछ कुछ कर दे, हम ही कर देते हैं ना इसको, तू बता दे। नहीं ना, ये देखना ये क्या हाल हो गया भाई, ये देखना तू, ये कौन देखेगा, देखना तो खुद देख इसका हाल। क्या लगेगा, क्या है, क्या मैं कर देता हूँ यार। वो बात वो नहीं है तनिष भाई, तू तो कर ही देगा, लेकिन हालत देखना भाई, हम कब तक इसको करते रहेंगे। गाइस देखना कितना बढ़िया हमने घाघरा बनाया था अंदर से, घाघरा और घाघरा कह रहा हूँ छाती, जो भी है यार समझ जाओ यार, अभी तो मेरी भावनाओं पे जा तू। गाइस ये देखो, ये हालत देखो इसकी, मतलब कोई भी आए इसको कम मर्जी, कोई भी लात घूसे मार जाए, कोई भी इसको कम मर्जी लात घूसे मार जाए, इसको तोड़ जाए और हम यहाँ पर देखते रहे। बता तू खुद बता, लॉक लगा दो ना इस पर, चेन भी भाई लॉक कैसे, इसको ताला किसको लगा दू, ये क्या कुत्ता है क्या जो ये इधर उधर भाग जाएगा। यार इसको खुद भी तो देखो ना, तो मतलब कोई भी आएगा, कोई भी इसको तोड़ फोड़ के चला जाएगा, हम देखते रहेंगे। गाइज यार अब ना ये देखो, सारा सामान हमने यहाँ पर रख दिया है। और भाई ये देखो यहाँ पर, देखो कोई बात नहीं, इसमें पानी डाल लियो बाद में। तनिष भाई बात सुन ले, मेरी दिमाग खराब हो रहा है। गाइज आप सोच रहे होगे हम ये सब क्या कर रहे हैं, ये लई शक्ति मोटी बना लाया, दिन ही खराब चल रहे हैं। जब दिन खराब हो ना तो वही बात है, भाई ये बहुत जल्दी तो वही बात है, आपके अच्छे भले नोट को भी ना बंदा चार बार चेक करेगा, नकली तो नहीं है। जब दिन खराब हो, गलत कह रहा हूँ तेरे को मैं तनिष भाई, बता दे गलत कह रहा हूँ, तो वही हाल हो रहा है। लई भी देखो आज मोटी बन गई, ऊपर से रावण हमारा खराब हुआ वो अलग। एक बात बता, यहाँ पर गाइस फिलहाल हमारी लेवी बन रही है, बट एक बात बता तनिष, अगर तू बहुत मेहनत से अपना एग्जाम दे, सब कुछ लिखे और एक बच्चा आगे तेरी आंसर नहीं, फिर भी मान ले पूछे बात नहीं, अब मजाक मत कर। मतलब अगर तू बहुत अच्छे से तूने एग्जाम में अपने सब कुछ लिखा है मेहनत से, अगर कोई बच्चा आगे आंसर शीट फाड़ दे तो तेरे को कैसा लगेगा? मैं उसकी फाड़ दूंगा भाई, भाई वाला देखो गुस्सा अंदर से निकला ना। तो गाइस यही कुछ मेरा भी किस्सा यहाँ पर, ये देखो भाई इस घाघरे को हमने इतनी मेहनत से बनाया। अरे छाती, हाँ छाती, ठीक है गाइज, हमने इस छाती को इतना मेहनत से बनाया। अब ये देखो भाई, ये देखो, ये सब अपने आप हो गया क्या, ये ऐसा लग रहा है किसी ने घुसंड मारे हैं इसके अंदर। मजाक नहीं शक्ति, मतलब हंसी मजाक से हटके यार, हम लोग मेहनत करते हैं भाई, ये अपने आप नहीं बन रहा इतना। ये जो लग रहा है ना इसमें गाइज, घंटों घंटों देने पड़ते हैं हमें, तब जाके बनता है वीडियो। पैसे तो चल सेकेंडरी थिंग है, पैसे तो कितने लग गए होंगे गाइज। आप रावण का बजट भी पूछ रहे थे, मैं अब आपको रावण का बजट बना देता हूँ। ये बांस है और ये बांस लगा कुछ, और ये है देखो, और पिछले साल का भी हमारा बांस पड़ा था और वो इतना की पड़ा था जितना की ये देखो अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, यही था। आप समझ लो पिछले साल का हमने यूज नहीं करा। ये जो रावण की कॉस्टिंग आई है ना हमारी, दो बांस आए थे हमारे, 80 रुपये का एक बांस था, दो बांस हमें पड़े 160 रुपये के, और ले ही मान के चल लो हमने अभी तक 20-25 रुपये का आटा यूज़ कर लिया होगा मैक्सिमम, है ना। और पानी तो फ्री होता ही है, बाकी गैस का भी लगा लोगे तो हिसाब हाँ? 25 रुपए की आती है, बट बेटा हमारे घर पे तो फ्री में ही आता है ना। लेकिन फिर भी घर तो तुम लेते हो ना। अच्छा सॉरी। तो गाइस हम बजट मान के चले, हमारे रावण का 200 रुपए है अभी तक, मतलब जो अभी तक हमने सब कुछ बनाया 200 रुपए लगे हमारे। बापे जितने रुपए लगे तुम ले ही लगाओ। नहीं नहीं भाई, ये बात करने वाली है गाइस, एक बात बताओ आप सिंपली, बस एक बात का जवाब दे दे तनिष भाई मेरे को, तू बस एक बात का। मेहनत करेगा यार ऐसे कोई मर्जी घूसे वूसे मार जाए रावण को, मतलब यार देखो यार चलो घूसे मारने हमें मार लो यार, रावण को तो घूसे मत मारो यार, देखो ये तो गलत बात है ना, मतलब ये चीज थोड़ी बुरी लगी। फिलहाल गाइस अभी देखो इस मैटर को यहीं पर हम क्लोज, वाकई में भाई असली वाला रावण भी कोई कम ताकतवर नहीं था, जिसको मारने के लिए भगवान राम जी को आना पड़ा, सोचो क्यों भाई। चलो खैर अभी हम गाइस अपनी चेस्ट को दोबारा से वर्कआउट करते हैं और ठीक करते हैं, और इसके ऊपर हमें और कोटिंग लगानी पड़ेगी। तो भाई ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी गाइस, वैसे आग के साथ भी ऐसा होता है बताना। देखो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है रावण मेकिंग के अंदर, क्योंकि देखो भाई अब हमारे चैनल पे भी ना 30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, और रोज कम से कम मान के चलो 8-10 बच्चे हमारे घर पे भी आ जाते हैं। मैं किसी पे ब्लेमिंग नहीं कर रहा, बट हाँ 8-10 लोग रोज मिलने भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, प्यार से मोहब्बत से मिलके जाते हैं, फोटो खिंचवा के जाते हैं, लेकिन हाँ भाई ये
ये चीज मेरे को थोड़ी सी मतलब ना थोड़ी सी मेरे को बुरी लगी कि भाई यार देखो ऐसे मतलब तोड़ के चले गए। अभी शुक्र है कि भाई बस थोड़ा सा ही करके गए हैं जिससे मेरे को बस पता लग जाए, इतना नहीं करा। लास्ट ईयर तो हमारे बांस पूरा बांस वास का सब तोड़ गए थे भाई, मेरे को अभी भी याद है, हाथ वात बड़ी मेहनत से बनाए थे है ना, तब भी यही सिचुएशन हुई थी। फिलहाल गाइस अब हम कोटिंग करते हैं दूसरी लेयर की, अब जो होना था सो हो गया। अबे लगाए कहाँ से, लिक्विड ही नहीं है उसमें है ना, कम लिक्विड है ना। चलो भाई अभी हम इसके ऊपर लगाते हैं, इसको ढकने के बाद इसको रखेंगे और आज इसको इसके ऊपर भी रखेंगे और फेस की भी मूछ वगैरह बनाएंगे, पूरा राउंड खड़ा करके देखेंगे गाइस अखबार का कैसा लगता है। देखो मैंने इसको इसलिए बोला है पूरा क्योंकि फिर पूरे में आ जाएगा। गाइज अब देखो यार, अब जाके मेरे को थोड़ा सुकून मिला क्योंकि ये देखो जो फटी हुई हमारी रावण की जो ये जगहें थी, अब इसको सारा तनिष को हील करना पड़ रहा है भाई। गाइज एक तरफ तो मतलब हमें अच्छा लगता है, प्यार मोहब्बत होती है सब होता है, लेकिन दूसरी तरफ यार हमारे हेटर्स भी ऐसे काम कर देते हैं ना, जब थोड़ा बुरा तो लगता है भाई, लगता नहीं लगता भाई, मेरे को तो पता था कि हेटर्स भी होते हैं भाई, यही है। हाँ भाई तू देख लियो, 10 वीडियोस के अंदर एक आधा कमेंट, 10 कमेंट्स के अंदर तक 10 प्यारे मिलेंगे ना, तो यार 20 प्यारे कमेंट करता, मैं तनिष भाई का फैन हूं, उसको लव यू, आई लव यू है ना, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच भाई, वेलकम वेलकम। और गाइज यहाँ पर देखो फिलहाल रावण मेकिंग भाई, अब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है अब मिल रहा है गाइस मेरे दिल को सुकून, ना बिल्कुल दो और मिलेगा भाई। वाकई में यार थोड़ा बुरा लग गया था मेरे को भी गाइस, ऐसे घूसे वूसे मार दी था, मान लो तनिष बना रहा मैं ऐसे एक घूसा मार के यहाँ फाड़ दूं, तनिष को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, हाँ देखा यही चीज मेरे साथ भी हुई गाइस। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल भाई अभी इसको करने के बाद अब हम घाघरे पे भी लगाएंगे, और गाइस जो सबसे ज्यादा मजा आने वाला ना जब हम इसके ऊपर रखेंगे इसको और गाइस फिर उसके ऊपर भाई उसको, तो क्या मजेदार सीन आने वाला भाई, वो चीज जरूर देखेंगे। गाइस अभी ना शक्ति यहाँ पर ये लगा रहा है, इसकी ना मेरे को ये शॉर्ट्स देखकर याद आया, वाकई में है मारियो वाली बनियान पहनी है तूने, दे भाई वाटर पार्क जाते थे ना तब भी वो वाला स्ट्रॉबेरी वाला कच्चा पहनता था, आए टिंग डिंग डिंग, बकवास बंद कर कुत्तिया, दे भाई वाटर पार्क जाते थे ना तब भी वो वाला स्ट्रॉबेरी वाला कच्चा पहनता था, आए टिंग डिंग डिंग। तो गाइस फिलहाल अब चेस्ट के बाद हम लगाने लगे हैं हमारे घाघरे के ऊपर, और ये हमारी घाघरे की फर्स्ट अखबार लगने जा रही है, और ये अखबार लगते हुए गाइस बने रहना वीडियो के अंदर क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और अखबार अभी लगने लगी है, और जैसे ही अखबार लगेगी मैं आपको दिखाऊंगा कि लगने के बाद कैसी लगती है, और ये देख सकते हो लग गई हमारी अखबार भाई, और यहाँ पर चिपक गई है, और ये खिंचाव डाल के भाई तनिष भाई हमारे थोड़ा सा कर रहे हैं काम यहाँ पर, और चलते हुए भाई बहुत तगड़े वाला काम यहाँ पर, और तनिष भाई ने देखो अखबार की ऐसी तैसी कर दी है पूरी की पूरी, पर चलो कोई बात नहीं, अभी इसको माफी है कोई बात नहीं, क्योंकि रावण बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है तनिष भाई हमारा, और भाई बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है तनिष भाई हमारा। तनिष भाई क्या कहना चाहोगे अपनी फेमस पॉपुलैरिटी के ऊपर? राम राम भाइयों, सिस्टम पार्ट देंगे। गाइस फिलहाल अभी देखो ये तो यहाँ पर काम कर ही रहे हैं अपना, लेकिन मैंने ना रावण के लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार डंडी निकाली है इसके मुंह के लिए, क्योंकि भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमारी ये रावण की ठोड़ी है और कितनी प्यारी लग रही है गाइस, बट जब तक हम इसमें मूछ नहीं लगाएंगे तब तक हमारा बिल्कुल एक एग्जैक्ट जैसे आना चाहिए ना जो लुक, वो आता नहीं है। पहले मैं आपको मूछ वाली डंडी दिखाता हूँ, और गाइस फिलहाल ये देखो ये हमने मूछ के लिए डंडी जो है हमारी सिलेक्ट करी थी, तनिष एक बार जाके लगाइए एक बार, ये देखो गाइस इसको ना हम यूँ लगा देंगे बीचों बीच, लगा पहले बिल्कुल बीचों बीच थोड़ी ऊपर कर, हाँ यहाँ करके, यहाँ करके अब इसको ऐसे नीचे को कर तू कमान की तरह एक बार, ये देखो गाइस यहाँ पर ये इस तरीके से लगेगी, और जो हमारा रावण है उसकी ये फिर मूछ ऐसे निकल कर आएगी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, करके दिखेंगे यार, अभी नहीं, अभी नहीं हो रहा ना, बट थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा यहाँ से, फिर जो लाफ बनेगी रावण की वो कितनी प्यारी। अरे देखो ऐसे हो गया ना, उसके बाद इसको ऐसे उठा देंगे, हाँ देखिए डंडी मैं तोड़ दी अभी है ना। तो गाइस ये स्पेशल हमने छिलतर वाली डंडी निकाल के रखी हुई है जो कि रावण के मुंह के लिए बनेगी, तो भाई ये बहुत ज्यादा स्पेशल डंडी है, इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि इससे रावण की मूछ बननी है हमारे। ये देखो छाती हमारी कितनी बढ़िया छाती है, एकदम मोटी मोटी, एक इसके साथ ये घाघरा, घाघरा के बाद ये हमारा मुंह, और ये हमारी चेयर जिसमें हम बैठे हैं। राम राम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। राम राम भाइयों, सिस्टम पार देंगे।
गाइस लई बन चुकी है, अभी लई बनाने गए थे हम, अब जा रहे हैं ऊपर कोटिंग करेंगे रावण गागे के मुंह पे। लई दिखाई ऊपर लई, ये देखो ये हमारी लई दोबारा बनाकर लाए हैं गाइस हम। गाइस ये देखो कितनी बढ़िया बनी है, अब बढ़िया बनी है ना। तो गाइस फिलहाल देखो भाई लई दोबारा बना लाए हम, अब धीरे धीरे। अब ये देखो भाई पहले लई लगाने में इसको काफी दिक्कत भी नहीं लाए यार, कोई बात नहीं अब तो बिना ब्रश के भी लग जाएगी, जैसी इसने लई बना ली थी ना वो ब्रश के साथ भी नहीं लगनी थी है ना। गाइस देखो थोड़ी पतली रखा करो, मतलब आटे को एकदम से सारा मत डाल देना लई के अंदर, पानी के अंदर धीरे धीरे डालना है। जैसे यार लगा रहा है ना, शक्ति लगा रहा है ना। हाँ वो मैं लगाता हूँ, वो मैं लगा दूंगा। तनिष भाई मजा आ रहा है लई लगाने में। गाइज वैसे जो मर्जी करो, रावण मेकिंग का ना एक अपना मजा तो होता है, मतलब वीडियो तो चलो बनाते हैं नो डाउट, बट इसके सिखाने के साथ साथ हमें भी बहुत मजा आता है रावण बनाने में। बताइए तनिष मजा नहीं आता? बहुत मजा आता भाई, भाई ऐसा ना यूनिकनेस ही लगती है। फिर इसमें और भी मजा कब आएगा, जब ये जैसे अब ये चेस्ट इसके ऊपर फिक्स हो गई, फिर इसके ऊपर कलर करेंगे हम ब्लैक, बढ़िया है ना। फिर हाँ फिर मजा स्टार्ट, हाँ बम लगाने होते हैं उसमें असली मजा आना स्टार्ट हो जाता भाई। ये बात तो सही बोली। पम 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 पापा। गाइस देखो अब इसमें भी लगभग लग चुका है भाई, बट यार मैं बस एक ही बात सोच रहा हूँ, जब ये हम लोग ये लगा रहे हैं ना भाई, कि अब क्या गारंटी है कि भाई अब कोई तोड़ के नहीं जाएगा इसको। तनिष भाई अभी भाई अब कोई तोड़ के दिखाए भगवान की कसम, नहीं अब तो वाकई में मैं बस इस बार ना भाई, मतलब तुम ना सोच नहीं सकते कितना बुरा लगता है यार कि ऐसे कोई भी तोड़ के चला जाए ना, जब कोई हमारी चीज को जो हमने मेहनत से बनाई, तो बुरा लगता है। अब हम ये इतनी मेहनत से बना रहे हैं, आपके सामने लगे हुए हैं, देखो इतनी मुश्किल से हमने ये तंदूर बनाया, सॉरी घाघरा बनाया है, तो भाई थोड़ा तो बुरा लगता ही है। सो गाइस फिलहाल अभी हमने रावण को अभी टू थ्री ये देखो भाई साहब। तो गाइस ये हमने कुछ बनाया और ये देखो भाई ये इसकी भाई अभी ये घाघरा हो गया, ये इसकी अभी चेस्ट हो गई, और यहाँ से जब हम हाथ बनाएंगे आप बताना हाथों में कैसे रखे, और ये सामने फ्रंट पे फेस है अभी, क्योंकि इस पर न्यूज़पेपर नहीं लगा है तो इसलिए समझ नहीं आएगा, बट हाँ इसकी साइड से थोड़ी जरूर दिख जाएगी। ये देखो ऐसी लग रही है, और गाइस ये देखो भाई रावण, और ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है गाइस, फ्रंट से देखो कुछ ऐसा आ रहा है। एक एंगल दिखाओ नीचे से लेके ऊपर तक, वाकई में भाई हाँ सब दिखाऊंगा गाइस, कितना एक्साइटेड हो रहा है तनिष वाकई में। अंकल यहाँ ये देखो भाई यहाँ से आ रहा पूरा, हाँ हाँ पूरा दिख रहा भाई। गाइस ये देखो रावण कितना प्यारा लग रहा भाई है ना, अच्छा लग रहा है, मेहनत सफल रही। फिर हैं कौन आया देखो भाई, यहाँ पर काका भी आया हमारा, बहुत प्यारा लग रहा है गाइस रावण, बहुत प्यारा। आप वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, सामने से तो बड़ा मोटा ताजा लग रहा है। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, मोटा ताजा, मोटा ताजा मतलब अच्छा अच्छा हेल्दी सा है, हेल्दी। तो भाई ये कुछ हमारा रावण बनाने हैं, पैर नहीं बनाने, पैर नहीं बनाने, नहीं बनाने भाई। गाइस आप कमेंट कर देना गाइस, ओके पैर गाइस मैं बताता हूं, अगर हम पैर पे खड़े कर देंगे ना तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, पैर पे खड़े करेंगे नहीं, बैम्बू पे खड़ा होएगा ये, पैर तो नीचे अलग से लगेंगे, कोई नहीं वो जब बात की बात है। बाकी गाइज ये थी हमारी पूरी की पूरी वीडियो, बाकी गाइज आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इसके साथ साथ क्या करना भाई, आज के शाउट आउट, क्या बात है आज के शाउट आउट भी दे देते हैं। सुपरस्टार डिवम, नेटकिक, रौनक सिंह, युवान गैंग्स लाइफ, मोहम्मद शाहरुख, एपिक गेमिंग, डेमोन भाई, इकबाल म्यूजिक, पॉडकास्ट विद पप्पू, मिशन बूगी, आरव खेड़ा व्लॉग्स, अमन सिंह, क्रिएटर पनोत पनोत्रा, वरुण कुमार, थंडर वाइट। ओ भाई साहब हवाई गिर गया, टूटा तो नहीं? नहीं रख दो भाई, आधा लोग नहीं छोड़ते, आधा हमारे दोस्त नहीं छोड़ते। ओ भाई साहब डर लग गया मेरे को तो। तो गाइस ये था आज का पूरा ब्लॉग भाई, देखो हमारे रावण पे भी कुसुमत नजर लगी हुई है भाई, इसको जो मर्जी कहो, बट हाँ घाघरा हो गया, पता नहीं भाई क्या करना पड़ेगा, बताना यार इसकी नजर कैसे उतरे, मुंह आगे से मुंह लाल थी देखो, वो ये बेचारी मक्की चिपक गई, अरे नहीं चिपकी, चलो कोई बात नहीं, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत। गाइज मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, तुम्हें भी पता नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ।